चिकन है ये वेज है गाइस यहाँ पे है दो तरीके के मेन्यू, एक तो है फूड मेन्यू और दूसरा है ड्रिंक मेन्यू। अभी तो यार कल जितना कचरा था वो सारा साफ हो गया, मतलब मैंने आज तक ये किसी भी रिसोर्ट के अंदर नहीं देखा। कि चलो तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं। शानदार यार आज जोधपुर तो इस गाड़ी ने वक्त से पहले वापस पहुंचा दिया, तकरीबन हम 20 मिनट पहले यहाँ पहुंच गए। तो यार इस कुत्ते को क्या हो रहा है, ये अभी घास खा रहा था। तो गए ट्रैक का इंस्पेक्शन करने के लिए, चलती है गाड़ी। तो टाइम से पहले ही पहुंच गए, 11:20 पर आना था, 11:13 हो रहे हैं अभी। तो अभी सीधा जाते हैं केनू के पास और उसको सरप्राइज करते हैं। गाड़ी धो रही है, सरप्राइज देता है तो भारी खड़ी है पहले ही। रो कहाँ है केनू, कहाँ है केनू, कहाँ है केनू, केनू चल रही है पिज्जा पार्टी। और भाई इसमें कटके ही करके दिए इन्होंने। केनू की साइकिल, केनू बिना सपोर्ट के चला रहा है, देखो भाई। ये इसको बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी, और इसकी डिमांड थी कि इसके 4 टायर होने चाहिए साइकिल के, और अभी वो टायरों पे 2 पे चला पा रहा है। तो अभी हम आए हैं जोधपुर के पी रोड में और थोड़ी शॉपिंग वगैरह चल रही है अभी। केनू को दिलाई है स्लीपर्स। तो अभी हम आए हैं बर्गर किंग और यहाँ खाएंगे डिनर बर्गर के रूप में। टाइम इतना हो गया, तो अभी हम यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। करो करो, 3 करवा देंगे फिर तो बाद में। ये लो आ गया अपना भाई, नहीं मेरा राइट वेज और नॉन वेज। ये चिकन है, ये वेज है। आ गया अपना ऑमलेट भी, यहीं पे घर के पास में। फिलहाल अभी कुछ रह गया है तो अपन पूल पार्टी करने जा रहे हैं। पूल पार्टी का मतलब रिसोर्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए चड्डे वड्डे भी ले लें। एक तो पूरा बड़ा लिए और 2 बॉक्सर्स लिए हैं ये, और मेंस का सेक्शन यार हमेशा टॉप पे ही होता है, क्योंकि पता मेहनत करके वही आ सकते हैं ऊपर। तो अभी हम निकल गए हैं रिसोर्ट के लिए, मस्ती करने के लिए, और हमारे पीछे आ रहे हैं गमछा गैंग के मेंबर। लगा लो तो गाइस अपन पहुंच गए ट्री हाउस बाय अमारा। तो ये अभी पार्किंग में खड़े अभी हम। तो अभी फिर से हम आ गए हैं गोविंदगढ़। तो अभी काफी सारे रिसोर्ट्स हैं जो अपन देखते चल रहे हैं वन बाय वन। ओए भाई, तो फाइनली 6 से 7 रिसोर्ट्स को विजिट करने के बाद हमने फाइनल किया एक रिसोर्ट जिसका नाम है एम्पायर रिसोर्ट। और भाई काफी शानदार रिसोर्ट है, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इसको कितने मतलब कम खर्चे के अंदर बुक किया है। 4-6 पर्सन ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो हमने रूम किया भी 1500 ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के साथ। और इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है, इसके अंदर पूल भी इंक्लूडेड है,
लेकिन उसका एक एडिशनल चार्ज होता है जो मिनिमल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 3500 रुपये के अंदर यार इससे बेस्ट डील तो कहीं भी मतलब जोधपुर के पूरे जयपुर राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। ये आ गया इनका रिसेप्शन एरिया और इसके अलावा रूम्स देखो यार, और पूरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फैला हुआ है। अभी मेरे रूम भी दिखा देता हूँ। हमने जो दो रूम लिए हैं तो गर्मी से निजात पाने के लिए हमने रिसोर्ट को चूज़ किया था कि यार रूम पे तो नहीं जाएंगे। क्या स्पेशियस रूम है और वॉशरूम सही है, मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि हमको तो पूल में नहाना है। और चेक इन टाइम है इसका 11 बजे सुबह और चेकआउट टाइम है अगले दिन का 10 बजे। ये प्रॉब्लम बड़े से लेके छोटे से रिसोर्ट में भी है यार, लाइट चली गई अभी। बट यार रूम देखो, ये भी स्पेशियस है ट्रिपल ओकुपेंसी के साथ, और ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें चाहे तो हम पूरे गद्दे लगा के पूरी फैमिली यहाँ रुक सकते हैं। ये अपना दूसरा रूम लिया है जिसके अंदर है टीवी भी और एसी भी है फुल, और यहीं पे हम दूसरा बेड भी लगा लेंगे अपना। और अभी कर रहे हैं अपना लंच। तो मेन हाईवे के पास में ही है ये एम्पायर रिसोर्ट, 20 रूम्स और बैंकेट हॉल भी है यहाँ पे बहुत बड़ा, और मैरिज गार्डन भी है। मेनली मेरे को लगता है इनका जो फोकस है वो सिर्फ मैरिज गार्डन पर है, क्योंकि जो गार्डन है वो बहुत ही बड़ा है शादी के लिहाज से एम्पायर रिसोर्ट का। और अभी इसमें काम चल रहा है, और हमको भी मतलब पहले यकीन नहीं हुआ था कि 1500 के अंदर रिसोर्ट के अंदर जो रूम मिल जाएगा वो भी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के साथ, बट लकीली हमारे को मिल गया। और इसके पास में ये लारिया जिसने हमसे डिमांड किया था 4500, लास्ट टाइम इट वाज 3500 बट दिस टाइम दे आर आस्किंग 4500 जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी हम यहाँ आए हैं, और यहाँ का जो आपने पूल तो देख लिया वो सामने दिख रहा है, काफ़ी शानदार पूल है बड़ा सारा, और बच्चों के लिए सेपरेट हमेशा मतलब रखते हैं। तो फाइनली अपन जा रहे हैं पूल में स्विम करने के लिए। और भाई इतनी सारी भीड़, ये का चक्कर है। चलो तो गाइस फाइनली टाइम आ गया है डुबकी लगाने का, अब निकलते हैं डुबकी लगाते हैं। सब घुस गए यार पानी के अंदर सिर्फ मेरे को छोड़ के। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, शॉवर अपन ने ले लिया और अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो सोचा है लारिया रिसोर्ट जाएं जो कि बिल्कुल सामने ही है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑप्शन नहीं है तो वहीं चल रहे हैं अभी। तो अभी हम आए हैं लारिया रिसोर्ट, ये देखो भाई यहाँ की रौनक ही अलग है। तो लास्ट टाइम मैं इधर आए थे जोधपुर के रिसोर्ट के अंदर, पूल तो दिखाए इनको यार, इतनी दूर आए यहाँ है पूरा दिख रहा है। पहले इसका काम चल रहा था मेरे को रवि भाई का, ये देखो भाई कितनी खूबसूरत कर दी प्रॉपर्टी। पहले आपने अगर पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन में था, और अब ये बन चुका पूरा, वो बच्चों के लिए उधर पूल और बड़ों के लिए, शानदार। थैंक यू भैया, खूबसूरत बना दिया यार पूरा। क्या ये देखो लाइव म्यूजिक चल रहा है, और ये हमारी फैमिली बैठी है इधर। गाइस यहाँ पे है दो तरीके के मेन्यू, एक तो है फूड मेन्यू और दूसरा है ड्रिंक मेन्यू। तो यहाँ पे बार भी चलता है और यहाँ पे डाइनिंग भी चलता है, तो फैमिली वाले काफ़ी सारे हैं, मतलब फैमिली का पूरा एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलते हैं यहाँ पे, और जो लोग ड्रिंक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं। ये बच्चे देखो यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं बस। हाँ दो रख दो इनके, चीज़ ऐसी है यार इनकी तो रबड़ जैसी, मतलब अच्छी है मोज़रेला चीज़ यूज़ किया इन्होंने। तो पनीर लबाबदार है, चीज़ गार्लिक नान। ये फाउंटेन मस्त है, पत्थर के अंदर से बना रखा है, पहली दफ़ा देखा ये यूनिक। मतलब डिनर के बाद कोल्ड ड्रिंक लेंगे और अपना रिसोर्ट सामने, गाड़ी वगैरह लगा दी अपन ने और अब जाके सोएंगे। यार ऐसा लग रहा है दिन के और मजा आया तुम लोगों को। कल कहाँ चलना है?
और आज अपन कहाँ कहाँ जाकर आए? रिजॉर्ट में वहाँ तो अपन ठहरे हुए हैं ना रिजॉर्ट में, और अपन नए रिजॉर्ट में भी रहते हैं। पर ये वाला स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा है, फार्म हाउस वाला तो कम है ना कि ना? हाँ उसमें तो कोई भी चल रहा है, एक बार मैं भी डूब गया था फार्म हाउस वाले में। कैसे? और मैं भी बोलूंगा गाइस मैंने पकड़ा था। कहने तो डूबना इसलिए सिखाते हैं ताकि तैरना सीख सके, इसलिए इसको डुबाते हैं। The next morning. तो सुबह के 9:45 बज चुके हैं और सभी अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, चाय नाश्ता। मैं आ गया इधर, यहाँ चल रही है पूल की सफाई। अभी तो यार कल जितना कचरा था वो सारा साफ हो गया, अभी देखो फ्रेश वाटर आ रहा है इसमें। आज है मंडे, मतलब मैंने आज तक ये किसी भी रिसोर्ट के अंदर नहीं देखा कि पूल इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से पेमेंट देना पड़े। मतलब कल रात को जो हमने पूल इस्तेमाल किया था तो उसका मैंने एडिशनली पे किया था और मैंने बोल दिया था कि पूल इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। अभी सुबह जब मैं पूल इस्तेमाल करने के लिए गया तो बोल रहे कि इसका अलग से चार्जेस लगेंगे, मतलब 700 रुपये के समथिंग ऐसा कुछ लगेगा चार्ज आपका, क्योंकि आप 6 लोग हो तो 2 बच्चे हैं उस हिसाब से। तो यार ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही बुरी लगी कि भाई आप होटल रूम ले रहे हो इधर, मतलब आप रिसोर्ट के अंदर रूम ले रहे हो, नाइट स्टे कर रहे हो, तो जो पूल का एक्सेस है वो तो गेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट यहाँ पे ये चार्जेबल बना दिए इन्होंने। तो रात का तो चलो इसमें इंक्लूड हो गया, तो जो मैंने एडिशनल पे किया था कि पूल इसमें इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन अभी अलग सुबह होती वो कह रहे कि इसका पेमेंट अलग से होगा क्योंकि नेक्स्ट डे है। मैंने बोला यार ये आपको कल ही बोल देना चाहिए था ना, हम उसके बिहाफ पे रूम लेते। मैंने तो अपना मूड कैंसिल कर दिया यहाँ पे स्विमिंग करने का, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो गाइस अपन अब कर रहे हैं चेकआउट, टाइम हो चुका है 9:43, 10 AM था वैसे भी, लेकिन अपने को थोड़ा काम है तो अपन यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। ये था अपना रूम भाई। चलो तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी खूबसूरत सुबह है, पूल वगैरह सब बढ़िया था, बट ये थोड़ा सा लास्ट में आके इसने मूड ख़राब कर दिया। अरे भाई गाड़ी धुल गई हमारी। लो गाइस तो आ गए अपन अपने घर, 10:24, आधा घंटा लगा अपने को यहाँ पहुँचने में। एक अपने पास ही गाड़ी थी, एक स्कूटी थी और एक कार थी, इस हिसाब से अपन 6 और प्लस 2 बच्चे 8 लोग थे। बेरो की चोरी डब्बा, क्या बात कर रहे हो, कैसे गिरा इन्होंने इतना सारा? अच्छा वन टीपी लेके जा रही है क्या? देख के आ गई। ओह माय गॉड कितना लिया ही, पूरा स्टॉक बन लिया तूने तो है, दिखा शानदार यार। और सारे पके हुए ऐसे पड़ते ही ऊपर पर्पल कलर फैल रहा है इनका, तो कैच कर लेना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जामुन तोड़ दिख रहे होंगे गोल गोल, खूब सारे हैं ना, मेरे को तो बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ अरे कैमरे में इतना नहीं है, ये देखो यहाँ पे, अरे वाह डंडे का सदुपयोग। जो भर के दिए थे ना डोले भर भर के, अरे वाह नीचे भी गिर गए 2-4। ये रे यहाँ नींबू है, वहाँ अमरूद है, वहाँ जामुन उग रहे हैं, कॉलोनी में कहीं बाहर वालों को एक्सेस नहीं है। बाबू ये क्या लेकर आए आप? मैजिक बॉल। इससे क्या होता है? इससे फटाके फूटते हैं। है बे? हाँ। और खाने से मर तो नहीं जाएंगे? नहीं मरेंगे। सही भाई बता, इससे तो इसमें लिख रहा है कि पटाखे फूटेंगे इसमें। नहीं ये तो चीज होती है कोई, नहीं ये तो खाने की चीज होती है। खाने की चीज है? पक्का? हाँ पक्का। अभी कहाँ से पाक कर आ रहे हो, इतने पसीने आ रहे आपको? हम कॉलोनी में। क्यों? नहीं। ये क्या है भाई मैजिक बॉक्स? तो इन्होंने मंगाया कुछ फास्ट सॉस करके, फास्ट सॉस ही है कुछ यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, फास्ट सॉस। तो ये मंगाया था कुछ वेज, जिसमें से आधा मैंने एग लिया है और आधा लिया है वेज। ये इसका कुछ मसाला है साथ में। ये देखो भाई ये था इनका लंच, जो दिखा भी नहीं पाया मैं आप लोगों को। अब जा रहे हैं सभी मूवी देखने के लिए, बट मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा अभी। ये सभी के सभी मूवी जाने के लिए रेडी हैं। 2 hours later सुरपुरा सफारी पार्क,
ये आ गया पहला ब्रिज। तो ये लो गाइस, आज का सनसेट होते हुए क्या अल्टीमेट है यार ये भी। तो पहले मुर्गी आई और मुर्गी हवा में थी तो उसने अंडा दे दिया। शानदार यार, टेस्ट बिल्कुल अच्छा लग रहा है।